मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से ही किसानों की हितैषी रही है। प्रदेश का किसान उन्नति करे, नई तकनीक से जुड़े और उसे उसकी मेहनत का पूरा फल त्वरित रूप से मिल सके, इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की ई उपार्जन योजना। अभी हमें और आगे बढ़ना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा सफलतापूर्वक चलाई जा रही ई उपार्जन की ये योजना किसानों के सर्वांगीण विकास में निश्चित ही निरंतर बड़ा योगदान दे रही है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार की डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत वर्ष 98-99 से गेहूं का और वर्ष 2008-09 से धान और मोटे अनाज का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, उपार्जन किया जा रहा है। लेकिन इसमें खासकर 2010-11 में एक ई उपार्जन करके यहाँ पर योजना लागू की गई, जिसमें सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन करके उनको एक निर्धारित समय दे करके उनको उनके केंद्रों पर बुलाया गया जहाँ पर वो रजिस्टर्ड थे और वहाँ पर उनसे उनका अनाज खरीदा गया। कॉरपोरेशन द्वारा इस योजना के तहत हर साल रबी एवं खरीफ की फसलों के सभी तरह के अनाजों की सरकार समर्थित मूल्यों पर किसानों से खरीददारी की जाती है। पहले जहां खरीददारी की इस प्रक्रिया में लिखा पढ़ी की कुछ जटिलताओं की वजह से किसानों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहले मंडी जाते थे, कब तुलेगा, क्या होगा, बिचौलिए लोग कितना ये करेंगे, हमें क्या रेट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। उन्हें खरीद केंद्र पर 2-3 दिन रुकना पड़ता था, जिससे समय तो लगता ही था, साथ ही परेशानी भी होती थी। 2 दिन पहले यदि मान लो धान लाके रख लेते तो 2 दिन हमको इंतजार करना पड़ता था, अपनी धान को मंडी में जगना पड़ता था। ई उपार्जन सॉफ्टवेयर के आने और इस पूरी कार्य प्रणाली के कंप्यूटरीकृत हो जाने से ये प्रक्रिया बहुत ही आसान हो चुकी है और किसान अब हंसते हंसते अपनी फसल बेचकर एवं राशि प्राप्त कर चैन से सो सकता है। ई उपार्जन की इस सरल प्रक्रिया में सबसे पहले किसान का पंजीयन किया जाता है और ये पंजीयन पर्ची किसान को दे दी जाती है। एक बार पंजीयन हो जाने के बाद ई उपार्जन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाता है, जिसमें अनाज बेचने के लिए पहले से निर्धारित तारीख, समय और स्थान की जानकारी होती है। जानकारी मिलते ही किसान दी गई तारीख पर अपना अनाज लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचता है, नमी की गुणवत्ता की जांच करवाता है, गुणवत्ता सही होने पर तौल करवाता है। अपने अनाज की कंप्यूटर से निकली हुई रसीद लेकर बेफिक्र होकर घर चला जाता है। रसीद मिलने के 7 दिन के भीतर ही अनाज की राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाती है। इस तरह से ई उपार्जन की इस पूरी प्रक्रिया में न तो किसान का समय बर्बाद होता है और न ही उसे अपने भुगतान के लिए बार बार भटकना पड़ता है। आज हर किसान खुश नजर आ रहा है। ऐसे में सुविधा होने की वजह से हम अमुक जिस तारीख को हमको माल बेचना है, हमारे को SMS आ जाता है, हम उसी तारीख को यहाँ पे धान लेके आते हैं, तो उस तारीख में बराबर हमारी धान खरीदी जाती है, तुलाई हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ और सभी किसान भाई भी इस योजना से बहुत खुश हैं और इसे हमें अच्छा फायदा मिल रहा है। इस ई उपार्जन योजना से हम किसान लोग तो बहुत खुश हैं साहब। उपार्जन केंद्र पर खरीदा गया ये अनाज पूरी सुरक्षा के साथ सरकार के वेयर हाउसेज में ले जाया जाता है और कुछ दिन वहां रखने के पश्चात
समय समय पर सरकारी राशन की दुकानों से शासन अधिकृत मूल्यों के आधार पर आम जन में वितरित कर दिया जाता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तत्वाधान में संचालनालय खाद्य मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ और NIC टीम के आपसी सहयोग से संचालित ये योजना आज पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक किसानों को लाभ पहुंचा रही है। ये मुख्यमंत्री का एक सपना है कि किसान को कि जो आय है उसको मैं अपने कार्यकाल में दो गुना करके दिखाऊंगा, उसी का एक हिस्सा है जिसके कारण किसानों को ये सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ई उपार्जन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को दी है। किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री जी का ई उपार्जन का जो कार्यक्रम है उसमें मेरा ऐसा आग्रह है कि जब तक आपको SMS पर गेहूँ या धान खरीदी की सूचना ना मिले तब तक आप उपार्जन केंद्र पर ना जाएं, और उपार्जन केंद्र पर जाने के बाद गेहूँ या धान खरीदी के बाद तब तक आप बैंक ना जाएं जब तक आपको बैंक से मैसेज ना मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आपके समय की काफ़ी बचत होगी और आपको जो असुविधा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ई उपार्जन योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इसे कई तरह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें वर्ष 2011-12 में मिला बेस्ट IT इनिशिएटिव पुरस्कार, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार, लेनोवो, नेस्कॉम एवं CNBC TV18 द्वारा बेस्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड प्रमुख हैं। जब तक हम IT का या डिजिटलाइजेशन का उपयोग किसानों के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं करेंगे, मनी ट्रांसफ़र के लिए नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि सच्चे मायने में भारत के किसानों के साथ न्याय होगा। इसी अवधारणा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो एक किसान केंद्रित मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस अभियान को लिया और आज हम कह सकते हैं कि हमारे सफलतम प्रोजेक्ट्स में से ई उपार्जन योजना है। मध्य प्रदेश सरकार की ये बेहतर पहल आज किसानों के जीवन को आधुनिकता से जोड़ रही है और खेती को लाभ का धंधा बनाते हुए उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार।